डींडवाना शहर में लगातार हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर आज नगर परिषद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर परिषद ने बिना अनुमति व्यावसायिक मार्केट का निर्माण करने पर 4 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स के मालिक को पुलिस और कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि डींडवाना शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद की स्वीकृति के बिना ही 2 मार्केट निर्मित किए जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर आज नगर परिषद के आयुक्त रोहित कुमार मील की अगुवाई में परिषद की टीम पुलिस की टीम के साथ में पहुंची और अवैध निर्माण को रुकवा दिया। साथ ही मार्केट पर नोटिस भी चस्पा कर नियमों का उल्लंघन करने पर 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। संहिता लागू होने के पश्चात लगभग 20 नोटिस जो अवैध निर्माणकर्ता थे उनको दिया था के पश्चात इनको कार्य को बंद रखने के लिए पाबंद किया गया था। उसके पश्चात भी जो निर्माण कार्य अभी चल रहे थे उनको हमने प्रथम सीज किया है और ये सीज करने के बाद में हमें सक्षम न्यायालय में संबंधित के विरुद्ध वाद भी प्रस्तुत करेंगे। और मेरी आमजन से भी ये इसमें अपील है कि इस तरह के जो अवैध निर्माण चल रहा है उसमें किसी भी तरह की जो दुकानदार हैं उनका परचेज नहीं करें, क्योंकि इस पर आगे जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उससे इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा।